व्लॉग्स बाय सुलेमान, अभी सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग्स बाय सुलेमान को, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और एजेंट मूवी का ट्रेलर आ चुका है, जिसका कि हमने टीजर देखा था। अखिल अकीनैनी है इसमें, और हिंदी ट्रेलर भी आना था लेकिन नहीं आया, सो हम ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखने जा रहे हैं। सबटाइटल्स हैं, और सबटाइटल्स का थोड़ा सा ये है कि नीचे देखो ऊपर देखो तो थोड़ा सा मिस हो जाती है, वीडियो मिस हो जाती है, लेकिन फिर भी जो हमें समझ आएगा हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे उसकी, और देख लेते हैं, देखने के बाद करते हैं डिस्कशन। जस्ट स्टे विद अस। वाओ, नाइस बॉडी है। ये कौन सा टैटू बना हुआ था पीछे? एक बना। व्हाई डू यू वांट टू बी एन एजेंट? ताने सिंडिकेट की ओका पावर हाउस उंदे, अदे गॉड। आ पावर हाउस ने ट्रेस చేయగలిగితే ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు। ఆ కలితో ఓయ్ ఈ సింహాన్ని వేటాడడానికి కుస్తుంది। इस ऑपरेशन का सक्सेस परसेंटेज कितना है मेहता? ओनली 5% मैम। फिर किस कॉन्फिडेंस के साथ ये स्टार्ट किया है? 5% है और इंत पेद मिशन हैंडल చేయగలరా? సింహం బోనిలోకి వెళ్లి తిరిగి వచ్చేది కోతి మాత్రమే। చేతిలో గన్ను, యాక్షన్, ఎమోషన్, ప్రతి నిమిషం గూస్ బంప్స్ ఏ కదా జీ। నీచ్ కమిన్ కుత్తే పనులు చేయడం చాలా గట్స్ కావాలి। నా దృష్టిలో మనందరం రియల్ సూపర్ హీరోస్। ఆర్ యు ఎక్సైటెడ్? ఓవర్ గా అనిపించట్లేదారా? కొంచెం వైల్డ్ జీ। హి క్రాస్ ద బోర్డర్, హి ఇస్ ఎ నేషనల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్। యు లీవ్ మీ నో చాయిస్। వన్ని చంపేయండి। సీ యు వెరీ సూన్। రెడ్ అలర్ట్, కాల్ ఫర్ మినిస్ట్రీ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ ఇమీడియట్లీ। వి హావ్ ఎ డేంజరస్ గెస్ట్ కమింగ్ నౌ। స్పై అంటే బుల్లెట్లు వర్షంలా కురుస్తూ ఉంటాయి, ఏ బుల్లెట్ మీద నీ పేరు రాసి ఉంటుందో నీకే తెలియదు। Are you ready boys? एजेंट ये okay। एजेंट ये है तो फिर एंड में वो उसी के पीछे क्यों पड़ गए? हाँ, ये समझ नहीं आया। बहरहाल शुरू में वो पूछते हैं ना कि why do you want to be an agent, और फिर एक मिशन के बारे में भी बताते हैं, बात हो रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक शेर के केस में जाने के लिए सिर्फ एक डायलॉग आता है। बाकी ये है कि यार अभी क्योंकि वही कंफ्यूजन हो रही है कि सबटाइटल भी देखने हैं साथ विजुअल भी देखने हैं ना, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन अच्छा, एक जगह पे ना अखिल के पीछे जो है ना मामूती, एक टाइम पे उनकी वो गन उनके ऊपर रख देते हैं। हाँ। तो एकदम से शॉक हो जाते हैं वो भी। हाँ, अखिल है, मामूती है, डीनो मौर्या है एक नेगेटिव रोल में, और मामूती थ्रू आउट इसमें अखिल के पीछे है। अच्छा, एक जगह तो समझ नहीं आता ना कि वो एक जगह एक बच्ची पे गन रख देते हैं। और बीच में जो एक्शन दिखाया ना वो बिल्कुल एक हॉलीवुड स्टाइल था, जिसमें वो हाथ छत कट जाता है, और अखिल की बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है, प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक एक गाने and, का भी सीक्वेंस आया था। हाँ, रोमांटिक सीक्वेंस भी आया था। और उसके अलावा ये है कि आजकल जैसे कि हम बात कर रहे थे एक्शन मूवीज इन हुई हुई है, ज्यादा चल रही हैं, और एंड में जो अखिल की एक वो लुक आती है ना, वो बुलेट्स ही बुलेट्स और वो मशीन गन चला रहे हैं, तो वो बहुत अमेजिंग एक सीक्वेंस शॉट था। हाँ, अभी हम वेट करते हैं इसके हिंदी ट्रेलर का ताकि हमें डेप्थ में समझ आ जाए। मुझे इतना तो समझ आया कि मामूती जो है ना वो अखिल के पीछे, लेकिन जो एक कौन है मुझे उनका नाम नहीं आता, डीनो मौर्या, उनके पीछे, वो भी तो बीच में है ना। हाँ, वो भी विलन है। विलन है।
तो बेसिकली एजेंट पे ही है ये सारी मूवी. और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है. थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए. आप हमें समझा सकते हैं कि बेसिकली इसकी मतलब एक क्या कहते हैं मोटी मोटी सी स्टोरी लाइन क्या है. तो बाकी ये है कि इसका हिंदी ट्रेलर आएगा तो हमें मजीद समझ में आएगी. लेकिन ओवरऑल इम्प्रेसिव था. फिल्मिंग अच्छी थी. एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा और बैकग्राउंड म्यूजिक भी. दैट्स इट. रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे ब्लॉग में जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो. इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट फोटो सजेशन अपडेट्स के लिए. सो इसी तरह आपके लिए नए रिएक्शन लाते रहेंगे. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा.